रहेगा आपने टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसी को बोलता है वंडरवाल्स फोर्स भी बोलते हैं हम लोग। और ये अट्रैक्टिव भी होता है, और क्या होता है रिपल्सिव, रिपल्सिव क्या होता है शॉर्ट रेंज, रिपल्सिव क्या होता है शॉर्ट रेंज, इसी को वंडरवाल्स फोर्स भी बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहला होगा आपका डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन लिखो या डायपोल डायपोल फोर्स लिखो, ये ऑपरेट होता है बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल जाएंगे तो देखो आप क्या हो जाएगा कि जैसे एच एफ कहीं पे रहेगा, या एच एफ में नाइट्रोजन बॉन्डिंग होता तो वही डायपोल डायपोल एच सी एल होगा, या क्लोरोबेंजीन होगा, या एसओ टू होगा, ये सब पोलर या नॉन पोलर पोलर। तो इसमें जब भी एसोसिएशन दिखाएंगे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तो क्या दिखाएंगे आप, जैसे क्लोरीन लिए तो ये क्या होगा डेल माइनस, ये क्या होगा डेल प्लस, और ये एच लेंगे क्लोरीन लेंगे तो ये क्या होगा डेल प्लस और ये क्या होगा डेल माइनस। आप देखोगे यहाँ पे ये इंट्रैक्शन होगा तो इसी को क्या बोलेंगे आप डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। मतलब सिंपल सोचो कि एक पॉजिटिव पोल होगा एक क्या होगा आपका नेगेटिव पोल होगा, देखो इधर है आपका पॉजिटिव पोल होगा एक क्या होगा आपका नेगेटिव पोल। तो देखो इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये क्या होगा डेल माइनस, इधर क्या होगा डेल प्लस, इधर लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इधर ज्यादा होगा ये क्या होगा डेल प्लस, ये क्या होगा डेल माइनस, कौन सा फोर्स है दोनों के बीच में, आई बात समझ में। ये होता है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। सेकेंड लिखो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन या इंड्यूस डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी बोल सकते हो आप। ये किसमें होगा पोलर एंड नॉन पोलर में, तो आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल भी होगा नॉन पोलर भी होगा तो कौन सा हो जाएगा डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। आप खुद से सोचो अगर कहीं पे हाइड्रोजन क्लोराइड को जेनॉन के साथ लाएंगे तो कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड पे क्या होगा पोलर और ज़ेनॉन क्या होता है नॉन पोलर, वो तो स्फेरिकल होगा तो कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। अगर मान लो क्लोरो बेंजीन को अगर बेंजीन के साथ कांटेक्ट में लाओगे तो क्या हो जाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, तो पोलर नॉन पोलर के बीच में कौन सा ऑपरेट होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। तो देखो परमानेंट पोलराइजेशन किसके पास होगा डेल प्लस के पास क्या होगा परमानेंट पोलराइजेशन होगा होगा। और इसके पास क्या होता है कि जेनॉन लेंगे तो जेनॉन के पास क्या होता है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसके पास क्या होगा परमानेंट डायपोल होगा, इसके पास डायपोल नहीं है अभी लेकिन जैसे इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो उसमें भी डायपोल इंड्यूस होगा तो क्या बोलेंगे उसको इंड्यूस डायपोल। तो इसके पास परमानेंट डायपोल था उसके पास इंड्यूस डायपोल हो गया आपका। तो आते जनान के पास क्या होगा एच एफ एस सी एल के कांटेक्ट में इंड्यूस या डायप या परमानेंट डायपोल, इंड्यूस डायपोल। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस कर दो यहाँ पे, इधर क्या होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इधर क्या होगा लेस होगा, इधर क्या होगा हाई, तो इधर क्या था डेल माइनस, ये क्या था डेल प्लस, अब ये क्या होगा डेल माइनस, ये क्या होगा डेल प्लस, कौन सा फोर्स ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे डायपोल इंड्यूस डायपोल, तो ये क्या होगा इंड्यूस डायपोल आपका। अब वो क्या था आपका परमानेंट डायपोल, कर लेंगे। अब देखो कि दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा कि नहीं चेक कर लो आप, इसका दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी होगा तो दो डायपोल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को अगर आर लेंगे तो देखो क्या होता है इसमें। ये जो क्वेश्चन जनरली पूछता है दोनों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या लिया मैंने आर,
तो दो सिस्टम है, आप दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आप कितना देख लो, और आप दोनों के बीच में कौन सा फोर्स देख लो अट्रैक्टिव, तो बेटा कुछ ना कुछ तो इंट्रैक्शन एनर्जी होगा ना कि नहीं होगा। तो इंट्रैक्शन एनर्जी जब जाएंगे तो इंट्रैक्शन एनर्जी होता है रेसिप्रोकल टू आर का पावर फोर। इंट्रैक्शन एनर्जी क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल टू आर का पावर क्या बोलेंगे, फोर। आई ई का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे इंट्रैक्शन एनर्जी किसके बीच में, पोलर नॉन पोलर के बीच में कर लेंगे, ये इंट्रैक्शन एनर्जी होता है। और ये इंट्रैक्शन एनर्जी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव। सिस्टम में कौन सा फोर्स दिखा रहा है, अट्रैक्टिव, हमेशा इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव। और सिस्टम में जब रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो आप कैसे, ये किसके लिए, तो फॉर स्टेशनरी डायपोल के लिए होता है। जो भी डायपोल आपने इंट्रोड्यूस के वो ये आप दिखा रहे हो इंट्रैक्शन, वो क्या होना चाहिए, स्टेशनरी स्टेट में होना चाहिए। तो कैसे रेसिप्रोकल होता है वो, आर के पावर फोर। फॉर रोटेटिंग डायपोल अगर होगा, रोटेटरी, अगर डायपोल से आपका रोटेटरी होगा मतलब फिक्स है ना, वो रोटेट कर रहा है, रोटेटरी डायपोल होगा तो इंट्रैक्शन एनर्जी आर का पावर क्या हो जाएगा, सिक्स। एनसीईआरटी में जाओगे तो सबका आर का पावर सिक्स ही दिया, क्योंकि वो अज्यूम किया रोटेटरी डायपोल्स। अगर स्टेशनरी होगा तो क्या होगा, आर का पावर फोर, और रोटेटरी होगा तो क्या होगा, आर का पावर सिक्स। एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ रोटेटरी दिया, इसलिए सबके बारे में क्या लिखा, वो आर का पावर सिक्स। बोला डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन लो या डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन लो, सबका इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होता है, रेसिप्रोकल टू आर का पावर क्या होता है, सिक्स। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रोटेटरी स्टेशनरी, रोटेटरी हम लोग क्या ले रहे हैं, रोटेटरी भी ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, स्टेशनरी। देखो इसमें ये डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन था, तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन में भी जाओगे तो इंट्रैक्शन एनर्जी क्या हो जाएगा, देखिए इंट्रैक्शन एनर्जी रेसिप्रोकल टू आर का पावर क्या हो जाएगा, थ्री। ये किसके लिए, और स्टेशनरी डायपोल के लिए। और फॉर रोटेटरी डायपोल होगा तो, अगर रोटेटिंग डायपोल्स होगा, रोटेटरी डायपोल्स अगर होगा तो फिर क्या लेंगे, इंट्रैक्शन एनर्जी आर के पावर क्या लेंगे, सिक्स। एनसीईआरटी ने इसी को मेंशन किया, बट इंट्रैक्शन एनर्जी रेसिप्रोकल टू आर का पावर थ्री और इंट्रैक्शन एनर्जी रेसिप्रोकल टू आर का पावर फोर, तो कौन सा आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा, डायपोल डायपोल होगा ना, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, कर लेंगे। थर्ड लिखो, इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, इसी को बोलते हैं लंडन फोर्स, इसी को बोलते डिस्पर्सन फोर्स भी। किसके बीच में हो गई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन या डिस्पर्सन फोर्स ऑपरेट्स होता है। एक लिए मैंने इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन या लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, ये ऑलवेज ऑपरेट होता है। अगर मान लो कोई भी मॉलिक्यूल लोगे, अगर वो नॉन पोलर है तो उसके बीच में हमेशा फोर्स ऑपरेट होता है, कौन, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स हमेशा ऑपरेट होता है। लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स जब जाएंगे तो इसमें देखो क्या हो जाएगा कि जैसे सीसीएल फोर लेंगे तो कौन सा फोर्स होगा, जेनॉन लेंगे, आपने बेंजीन लिया तो ये क्या पोलर या नॉन पोलर, BF3 लिए तो क्या था पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बीच में कौन सा फोर्स होगा, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, जैसे किसी में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लॉड्स है तो नेगेटिव चार्ज आपका सिमेट्रिकल है, कोई डायपोल नहीं है, एक में डायपोल क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, दूसरा में भी जैसे इसका देखा डायपोल तो इसको भी देखो, जैसे इसका डायपोल देखा इसका भी इंड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट इंड्यूस होगा कि फॉर द शॉर्ट टाइम,
शॉर्ट टाइम के लिए इंड्यूस होगा, फिर डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्सिव फोर्स क्यों बोले, कभी आप इस रीजन में देखोगे डिस्पर्सन लंडन फोर्स, कभी वहां देखेंगे, यहाँ फिर सिमेट्रिकल होगा, फिर वहां पे फॉर द टाइम बिंग आपका इलेक्ट्रॉन प्लॉट क्या होता है, निगेटिव प्लॉट होता है, फॉर द टाइम बिंग वन सिमेट्रिकल हो जाएगा, तो आपका डायपोल आ जाएगा, आप फिर वो सिमेट्रिकल आ जाएगा, फिर डायपोल खत्म हो जाएगा, मतलब परमानेंट स्टे नहीं करता ये। मतलब इधर डेल माइनस देते हो, इधर डेल प्लस, इधर क्या दिए डेल प्लस, इधर क्या दिए डेल माइनस, ये कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा, लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, वीक होता है इंट्रैक्शन एनर्जी जब जाओगे ना, चाहे रोटेटरी हो या वेब, ये फिक्स आप स्टेशनरी लो, हमेशा होता है आर के पावर सिक्स, और शॉर्ट रेंज में जाओगे तो रिपल्सिव भी हो जाता है, लंडन फोर्स बिकम्स रिपल्सिव फोर्स इन शॉर्ट रेंज। अगर बहुत ज्यादा क्लोजर मॉलिक्यूल को लाएंगे तो क्या फोर्स हो जाएगी, रिपल्सिव, मतलब जो वैन डेर वाल्स फोर्स आपने अट्रैक्शन देखा वो क्या हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, वैन डेर वाल्स रेडियाई होता है। अगर वैन डेर वाल्स रेडियाई से अगर ज्यादा क्लोज लाओगे, जैसे क्या होता है ना कि देखो, जैसे आपका ज़ेनॉन होगा और ज़ेनॉन लिए तो दोनों का एक वैन डेर वाल्स रेडियाई होता, वैन डेर वाल्स रेडियाई लेट कर लो कि एक्स पिकोमीटर इसका लिए, इसका भी एक्स पिकोमीटर होगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू होगा जो सम एक्स प्लस एक्स का जो वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा 2x, तो 2x के डिस्टेंस तक, 2x पिकोमीटर के डिस्टेंस तक, 2x अगर 3x होगा 4x होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, हाई है, तो वहां पे दोनों में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जैसे 2x के क्लोज आ गए तो फिर दोनों में क्या होगा, रिपल्सिव, मतलब कि वैन डेर वाल्स रेडियाई का जो सम होता उससे अगर क्लोजर लाओगे तो कोई भी मॉलिक्यूल में रिपल्सिव फोर्स हो जाता है, और उसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव। इसलिए आपने जब आइडियल गैस से जब रियल गैस में देखते हो तो आप हाई प्रेशर लो प्रेशर लेते हो, आप जेट लेते हो, कभी अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर देते हो, कभी रिपल्सिव, आपने देखा होगा बहुत हाई प्रेशर पे मॉलिक्यूल बहुत क्लोज जाता है, और मॉलिक्यूल क्लोज होने से कौन सा फोर्स डोमिनेट होता है, रिपल्सिव, और लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल क्या होता है, फार अपार्ट रहता है, तो वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट होता है, अट्रैक्टिव। तो जो गैस मॉलिक्यूल में आप गैस मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्टिव फोर्स देख लो, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद रिपल्सिव भी स्टार्ट हो जाता है, याद रखोगे, तो वैन डेर वाल्स फोर्स का अट्रैक्टिव भी होता है और क्या होता है, रिपल्सिव भी। अगर स्ट्रिक्टली बोलेंगे कि वैन डेर वाल्स फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये रॉन्ग है, कर लेंगे, इट में भी अट्रैक्टिव में भी रिपल्सिव, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं होता, शॉर्ट रेंज फोर्स क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स, ये शॉर्ट रेंज में जाओगे तो कौन सा डोमिनेंट होता है, रिपल्सिव, कर लेंगे। तो आपको अगर कोई भी बोलेगा तो बता दोगे मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन कहाँ पे होगा, आपके पास एसीटोन है, लिखो एसीटोन का नाम, सुने हो ना, लिखो एसीटोन, और आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा बताइए, एसीटोन पोलर या नॉन पोलर होता, अरे तो दिखते रहते एसीटोन पोलर होगा, हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, डायपोल डायपोल, कर लेंगे, ये क्या होगा, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है आपका, तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, डायपोल डायपोल, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये CH3 और ये CH3 लेंगे तो नेगेटिव पोल कहाँ होगा, और ये हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो पॉजिटिव पोल कहाँ रहेगा, देख रहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही है ना आपको, अगर दो मॉलिक्यूल देके ऑप्शन पूछेगा, पेयर ऑफ मॉलिक्यूल दे देगा, अब बोलेगा उसके बीच में कौन सा फोर्स ऑपरेट होगा तो नहीं बता दोगे, दोनों का दोनों पोलर देखना था, क्या बोलोगे, डायपोल डायपोल, एक पोलर नॉन पोलर तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और दोनों का दोनों नॉन पोलर तो लंडन फोर्स, कर लेंगे, इंट्रैक्शन एनर्जी याद रखोगे, ऑलवेज रोटेटरी डायपोल के लिए क्या होता है, इंट्रैक्शन एनर्जी रेसिप्रोकल टू अर्थ का वर्क क्या होता है, 6, और स्टेशनरी में अगर जाएंगे तो डायपोल डायपोल में क्या होता है, 3, और डायपोल इंड्यूस्ड में क्या होता है, 4, याद रखोगे, चलिए लिखो गैसेस पैरामीटर्स, लिखा आपने गैसेस पैरामीटर्स, एनसीईआरटी को रीडिंग दो, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पे एक दो टॉपिक और बताएंगे आपको, पहले एनसीईआरटी पढ़ के आइए आप लोग, पोलराइजेशन का एक कंसेप्ट है बताएंगे।
एनसीईआरटी एक बार पढ़ के आओ, उसके बाद बताएंगे। चलिए आपने क्या लिखा, गैसेस पैरामीटर। तो गैसेस पैरामीटर क्या होता है, फोर होता है। एक होता है प्रेशर, क्या क्या लेते हैं गैसेस पैरामीटर आपने देखा होगा, एक लेते हैं हम लोग प्रेशर, एक लेते हैं वॉल्यूम, एक लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और क्या होता है टेम्परेचर। फोर पैरामीटर्स, इसी पैरामीटर के रिलेशन को क्या बोलते हैं, कंबाइन गैस लॉ इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, जानते हो आप लोग। तो गैसेस पैरामीटर में सबसे पहले कौन होगा, प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, तो दो मेजर करते हैं लोग, गैस का अगर प्रेशर मेजर करेंगे तो किसका हेल्प लेंगे, मैनोमीटर का, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करेंगे तो क्या लेंगे, बैरोमीटर। आपने बैरोमीटर में रो जी एस का आपने एक्सप्रेशन भी देखा होगा, रो होगा इंटेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पढ़े होंगे। तो प्रेशर में उतना डिटेल नहीं बताऊंगा। आप देखो यहाँ पे एक कंटेनर है आपका, एक कंटेनर के वॉल पे क्या होगा कि कोई गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेगा, तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जैसे स्ट्राइक करेगा तो कुछ मोमेंटम से स्ट्राइक करेगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हो, प्रेशर बोलते हो आप ये। अब देखो प्रेशर जब एग्जर्ट करेगा तो आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल इंटरेक्शन को क्या किया आपने, नेग्लेक्ट कर दिए, मॉलिक्यूल इंटरेक्शन नहीं लेते हो क्योंकि आइडियल कंडीशन है। रियल कंडीशन में जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। गैस मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन से आपका क्या करता है, प्रेशर करेक्शन करना पड़ता है। आप प्रेशर जब करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे ए का वैल्यू आ जाता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जैसे वॉल ऑफ कंटेनर पर जाकर स्ट्राइक करेगा तो एक इनवर्ट पुल उसको एक्सपीरियंस होगा जो उसको ट्रैक करेगा पीछे की तरफ। तो जैसे ट्रैक करेगा तो रियल प्रेशर क्या होगा, आइडियल प्रेशर से क्या होता है, लेस होता है। तो वो आगे बताएंगे, अभी जितना भी पढ़ेंगे उसको आइडियल कंडीशन पढ़ेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है, रियल में ऐसा कंडीशन नहीं होता। डेली लाइफ में कभी जाओगे तो आपका आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं होता, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ आप फील करोगे लेकिन वो पीवी इक्वल टू एनआरटी पे नहीं आ रहा आपका। मतलब ये समझना कि जितना भी हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन, ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कोई भी गैस आइडियल होता नहीं, जितना भी गैस होता सब में क्या होता है, रियल। आई बात समझ में। अभी हम लोग क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे वर्क करेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कोई भी गैस लो, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो एज्यूमिंग द नो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इज कॉल्ड प्रेशर। आ जाएगा तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एज्यूम किया मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, नो। तो देखो विदाउट मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मतलब किसी टाइप का मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन को कंसीडर ही नहीं कर रहे, कर लेंगे। तो जितना भी मॉलिक्यूल है सब वॉल पे कंटेनर पर जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और उसी स्ट्राइक करने पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेशर। तो प्रेशर का आपने यूनिट देखा होगा, तो प्रेशर जब मेजर करते हैं ना तो दो मेजरिंग स्टेप होता है। किसी गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए किसके जाते हैं लोग, मैनोमीटर या बैरोमीटर, मैनोमीटर। गैस का प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं मैनोमीटर से, और एयर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे हम लोग देते हैं, बैरोमीटर से करते हैं ना हम लोग। तो प्रेशर में जब जाओगे तो प्रेशर में देखो, प्रेशर दो मेजरिंग मशीन होता है आपका, देखो एक होता है मैनोमीटर, बैरोमीटर। बैरोमीटर से किसका प्रेशर मेजर करते हैं हम लोग, मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए अपने सी लेवल पे गए होंगे, अभी एटीएम इक्वल टू आपने ये देखा होगा रो जी एच, याद करो मरकरी लेवल लेके। एक होता है आपका मैनोमीटर, मैनोमीटर से किसका मेजर करते हैं हम लोग, तो मेजर द प्रेशर ऑफ गैस। किसी गैस का अगर करेंगे तो आपने देखा होगा दो लिम्स होता, ओपन लिम होता, क्लोज लिम होता, मरकरी फील कर दो मैनोमीटर में, तो उसे फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री में नहीं पूछता कभी, मरकरी लेवल से कर लेंगे। आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है ना वो होता है आपका 10325 पास्कल्स, ऐसे लेते हैं ये देखो 101325, क्या बोलते हैं इसको हम लोग 101325, इसको बोलते हैं हम लोग पास्कल। कैसे फाइंड करते हैं पता आपको, रो जी एस लेते हम लोग, रो का वैल्यू पुट कर देते, जी क्या लेते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट मर्करी लेवल से आपने देखा हो 76 सेंटीमीटर का देखे होंगे आपने, उससे अगर देखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। कहीं क्वेश्चन नहीं पूछने वाला आपसे, इसलिए मैं वो पार्ट को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर उन्हें बच्चे रहते हैं ना, छोटे बच्चे रहते हैं तो आपको भी बता देते कैसे होता है, लेकिन मत पढ़ो, सीधा पढ़ो कि रो जी एच होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे किसी को जाएंगे तो क्या होगा, 1.13
5 किलो क्या बोलेंगे, पास्कल्स बोलेंगे ना? नहीं, किलो नहीं हो जाएगा, रॉन्ग बोले, 5, 10^5 हो जाएगा ना, वो पास्कल्स हो जाएगा। एसी को बोलेंगे 10.325, क्या हो जाएगा, किलो पास्कल्स। आपने देखा होगा एसी को 76 टॉर भी बोलते होंगे, एसी को 1 ATM भी बोलते हम लोग, एसी को आपने देखा होगा 760 MMHg भी बोलते थे हम लोग। अगर मान लो 760 ATM MMHg होगा तो इसका मतलब कितना प्रेशर है, 1 ATM कर लेंगे। इसी में प्रेशर में एक चीज याद रखना कि प्रेशर जो एटीएम, देखो आपने देखो यहाँ पे कि प्रेशर आपका क्या होता है, बार में होता है, तो देखना क्या होता है प्रेशर। अगर जाओगे बार में तो याद रखना 100 किलो बार याद रखोगे, मतलब 1 × 10^5 क्या होगा आपका बार। तो बताइए 1 ATM जब जाएंगे आप, ATM और बार में जब रिलेशन लेंगे तो 1 bar इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.01325 ATM, ऑलमोस्ट सेम है। तो देखो यहाँ पे 1 bar इक्वल टू 1.01325 क्या लिखे आपने, ATM। तो बताइए 1 ATM इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख लो ATM, 1 ATM इक्वल टू इतना बार होगा, तो 1 bar इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे उससे तो 1 bar इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 bar इक्वल टू हो जाएगा 0.98 ATM, तो ऑलमोस्ट सेम आ गया ना। इसलिए कैलकुलेशन करना है तो आप प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सीधा ये देखना 1 bar लेंगे तो 1 ATM लेके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कर लेंगे। और देखिए और एक चीज याद रखना जो आगे भी हेल्प करेगा कि 1 liter ATM एनर्जी होता ये इक्वल टू होता 101 जूल किलो। देखो क्या लिखा मैंने, ये आपको जूल। अगर आप वर्क डन फाइंड करोगे लीटर एटीएम है तो उसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 101.325 से। अगर आपका 1 liter ATM अगर वर्क डन आ गया आपका बार में, किसमें आ गया 1 liter ATM, 1 liter बार में अगर आ गया तो आप मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो किसमें आ जाएगा जूल में। और जूल में आने के बाद आप कैलोरी भी फाइंड कर लोगे, 4.18 से क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। ये कन्वर्सन याद रखना बहुत हेल्प करेगा थर्मल डायनेमिक्स में। ये क्या था आपका प्रेशर। सेकंड पैरामीटर्स क्या लिया था मैंने, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अरे जो कंटेनर होगा वही वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जो गैस का होगा वॉल्यूम। जो क्लोज वेसल्स होगा उसका वॉल्यूम बोल दो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वॉल्यूम। अगर 1 mole गैस होगा, 1 liter कंटेनर में रखोगे तो 1 liter वॉल्यूम होगा, 3 mole गैस रखो या 5 mole गैस रखो, रखे तो आपने 1 liter में, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिकुलर मोशन, जहाँ जहाँ स्पेस में आपका मॉलिकुलर मोशन होगा उसी को क्या बोलते हैं, जहाँ पे मॉलिकुलर एक्टिविटीज होगा, जहाँ पे आप कॉलिजन नोटिस करोगे उसी को क्या बोलते हैं, उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। आप रियल कंडीशन में जाओगे तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब कि टोटल वॉल्यूम का टोटल स्पेस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे मॉलिकुलर एक्टिविटीज के लिए, मॉलिकुलर मोशन के लिए आप जो स्पेस प्रोवाइड करेंगे वो टोटल स्पेस का कुछ ही स्पेस आप प्रोवाइड करोगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रियल स्पेस लेंगे, और रिमेनिंग स्पेस को क्या बोल देंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मैं बात समझ, वो आगे पढ़ेंगे, रियल कंडीशन में वो होता है, आइडियल में क्या लेंगे, सारा वॉल्यूम आपके लिए अवेलेबल है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे 1 liter इक्वल टू 10^3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10^-3 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। 1 liter इक्वल टू क्या होता है, 1 dm³। पकड़ लोगे,
अब 1 cm³ इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 ml। भाई क्यूबिक सेंटीमीटर, cm³ जो लिखे तो पकड़ लोगे अपने आप पे होगा क्या, यही सब यूनिट में देखो मैंने क्या होता है ना, पीबी को एनआरटी जब हम लोग पढ़ने जाते हैं ना तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट से गलती होता है ना वो यूनिट्स का प्रॉब्लम होता है मेनली। आर का वैल्यू क्या लेगा, वी क्या होगा, आर क्या होगा, ये तो एक रिलेशन तो याद रखो। थर्ड पैरामीटर्स क्या बोला था मैंने, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमेशा ऑलवेज इन केल्विन, इसमें जाएंगे बताइए केल्विन स्केल पे वर्क करेंगे फॉर्मूला में। अगर कहीं पे डिग्री सेल्सियस में देगा तो उसको हमेशा किस में लेके आना, केल्विन में। आप वॉल्यूम लीटर में या मीटर क्यूब में ले सकते हो, वॉल्यूम आप लीटर में या मीटर क्यूब में या ml में आप ले सकते हो, प्रेशर आप एटीएम में पास्कल में यूज कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल, क्योंकि मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज को हम लोग सारा एक्टिविटीज को सीज कर देते हैं जीरो केल्विन पे, तो एब्सोल्यूट जीरो पे गैस को डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है जीरो केल्विन, इसलिए हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं मतलब केल्विन स्केल पे वर्क करते हैं। आप डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको भी आप हमेशा कन्वर्ट करना किस पे, केल्विन में। कैलकुलेशन हमेशा केल्विन पे स्केल का आएगा ऑप्शन, अगर आपको डिग्री सेल्सियस पे देना तो 273 सब क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, कर लेंगे तो हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में। तो आपका एक रिलेशन आएगा टी केल्विन इक्वल टू, आपने देखा होगा 273 प्लस क्या हो जाएगा टी डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट का भी होता है पढ़ लेना खुद से, नहीं बताएंगे वो सब, नहीं पूछता उसका, पढ़ लोगे ना खुद से उसे। चलिए हमेशा बोलना केल्विन स्केल में वर्क करना आपको। फोर पैरामीटर आपका क्या था, मोल्स। आपको पता है क्या इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर मास। अब इसके बाद क्या होगा कि जितना भी है सबका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल गैस लॉ जाएगा, अब ये जितना भी पैरामीटर है सब में रिलेशन देखेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। मतलब ये कहाँ पे हो गए, सर्टेन कंडीशन पे ये सब ऑब्जर्व होता है, रियली में जाओगे तो ये सब ऑब्जर्व नहीं होता। तो आप पे पढ़ा होगा आपने बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, गैरी सेक्स लॉ होता है, नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे ये सब आपका, और डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, और क्या था ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन, क्वेश्चन वहाँ से आता है तो वो सब बताएंगे नेक्स्ट डे। और स्टेट ऑफ मैटर में देखना कि क्वेश्चन तो फिक्स है कि